गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एनएस कसाना में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास एट्थ की टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपेंड का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गोट हिज हम्प लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। हाउ का मतलब कैसे, कैमल मीन्स ऊंट, गोट यानी मिला या प्राप्त किया, हिज यानी उसको या उसका, हम्प हम्प यानी ऊंट का। अगर आपने बनावट देखी हो विद्यार्थियों, तो ऊंट की जो पीठ होती है उसके ऊपर एक कुबड़ होती है, उसी को इंग्लिश में हम्प कहते हैं। मैं आपको बीच में एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन अथवा पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप साथ के साथ नोट करते चलें, और इनको बाद में आपको लर्न भी करना है और पाठ को रीडिंग करते टाइम पे यूज में भी लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। वर्ल्ड मीन्स संसार, जस्ट बिगन अभी अभी संसार शुरू हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जानवर, वर वर्किंग काम कर रहे थे, फॉर ह्यूमंस, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस किसे कहते हैं, मानव मनुष्य। जानवरों ने अभी मनुष्यों के लिए काम करना शुरू किया ही था। देर वॉज वन लेजी एनिमल, एक लेजी, लेजी मीन्स आलसी, लेजी मीन्स आलसी एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर, एक लेजी अर्थात आलसी जानवर भी था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ भी नहीं किया करता था। अब आप समझ गए होंगे किस जानवर के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल उसी कैमल के बारे में, ऊँट के बारे में बात हो रही है। एंड सेड नथिंग बट हम्प, वो कुछ भी नहीं कहता था, केवल क्या कहता था, हम्प कहता था। क्या कहता था, हम्प। हम्प क्या होता है, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, विस्मयादिबोधक शब्द होता है। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। इवन, इवन यानी भी, क्लेवर, क्लेवर का मतलब चतुर। जिन, अब जिन क्या होता है आप सब जानते होंगे, आप सब टीवी भी देखते हैं, जिन का नाम सुना भी होगा, टीवी में देखा भी होगा कि जिन एक ऐसा प्राणी होता है हु हैज़ मैजिकल पावर्स, है ना, जिसके पास जादुई ताकत होती है। तो यहाँ उसी जिन की बात है। तो इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। एट विट्स एंड का मतलब होता है हैरान अथवा परेशान। अब जो जिन्न था, जो कि बहुत चतुर भी था, बुद्धिमान भी था, वो क्या था, परेशान था, हैरान था कि ये जो ऊँट है ये कोई काम नहीं करता है, तो इसको कैसे सबक सिखाया जाए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी शुरुआत में, व्हेन यानी जब, द वर्ल्ड संसार, दुनिया वॉज न्यू, एकदम नई नई थी। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। और जो एनिमल्स थे, जानवर थे, उन्होंने जस्ट यानी अभी अभी, बिगिनिंग यानी शुरुआत की थी, टू वर्क काम करने की, फॉर मैन यानी मनुष्य के लिए। देर वॉज अ कैमल, वहाँ पर एक कैमल था, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहता था, इन द मिडल ऑफ हाउ ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट। मिडल यानी बीचों बीच, मध्य में, हाउलिंग डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। हाउलिंग क्या होता है, रेगिस्तान में जो जोर जोर की जब तेज़ हवाएं चलती है तो जो एक गर्जना सी करती है, तेज़ आवाज़ करती है, उसी को हाउलिंग कहते हैं। तो हाउलिंग जो डेजर्ट था, शोर मचाने वाली हवाएं वहाँ चल रही थी, उसके बीचों बीच में वो ऊँट रहा करता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। वहाँ क्यों रहता था वो, क्योंकि वो
नहीं चाहता था। वांट मीन्स चाहना, वर्क यानी काम करना, वो वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट, एट क्या होता है, ईट की सेकंड फॉर्म, ई ए टी, ईट यानी खाना, ए टी एट यानी खाता था। स्टिक्स, स्टिक्स यानी छोटी छोटी लकड़ी की जो टहनियाँ होती है वो। एंड थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन्स कांटे। एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स मीन्स भी कांटे, अर्थात कांटेदार झाड़ियाँ और पेड़ पत्तों की, पेड़ों के जो पत्ते या टहनियाँ होती थी उनको वो खाया करता था, ये उसका भोजन था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, एनीबडी यानी जब कोई, व्हेन यानी जब, स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक है, जब कोई उससे बोलता, ही सैड हम्प, तो वो क्या कहता, केवल हम्प कहता, जस्ट हम्प, केवल हम्प कहता। एंड नो मोर, मोर यानी अधिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, अब क्या होता है, एक घोड़ा जो, क्योंकि संसार नया बना है तो घोड़ा भी उसी समय पे बना कैमल के साथ ही, तो एक घोड़ा उसके पास आता है, हॉर्स आता है ऑन मंडे। मंडे आप सब जानते हैं, मॉर्निंग यानी सुबह, मंडे की मॉर्निंग को आता है विद सैडल, सैडल यानी काठी। अब काठी क्या होती है, आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े की पीठ पर एक लकड़ी से बना हुआ होता है और उसके ऊपर कपड़े वगैरह भी होते हैं, गद्दे वगैरह, यानी कि घुड़सवार जिसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी करता है वो, उसको हम इंग्लिश में सैडल बोलते हैं और हिंदी में काठी बोलते हैं। तो घोड़े के ऊपर, पीठ के ऊपर काठी रखी हुई है, ऑन इज बैक, बैक यानी पीठ, एंड सैड, और वह बोला, कैमल, ओ कैमल, कम आउट, अरे ओ कैमल बाहर आओ, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रोट, ट्रोट का मतलब होता है दुलकी मारना। अब दुलकी मारना क्या होता है, धीरे धीरे कदमों से चलना, यानी कि दुलकी मारना। तो आओ और हमारी तरह तुम भी धीरे धीरे कदमों से चलते हुए आगे बढ़ो। हम्प, सेड द कैमल, अब की बार कैमल ने फिर से क्या कहा, हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वेंट अवे, चला गया, एंड टोल्ड, बताया, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, टोल्ड मीन्स बताया, द मैन यानी आदमी को क्या बताया, अब वो आगे आएगा क्या बताया जो, और वैसे आप समझ गए होंगे कि सारा घटनाक्रम उसने बताया होगा। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब क्या होता है, अब एक कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो उस कैमल के पास आता है विद ए स्टिक इन हिज माउथ, और उसके मुंह में क्या है, एक स्टिक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक छोटा सा डॉग है, उसके मुंह में क्या है, एक स्टिक है। एंड सैड, आया और बोला, क्या बोला, देखिए, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल, ओ कैमल, कम, आओ, एंड फेच, फेच का मतलब होता है जाकर लाना, जाओ और लेकर आओ। एंड कैरी यानी भार ढोना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जिस प्रकार से हम बाकी लोग काम कर रहे हैं वैसे तुम भी काम करो। हम्प, सेड द कैमल, अब की बार फिर कैमल ने क्या कहा, हम्प कहा। एंड द डॉग वेंट अवे, और जो डॉग है वो वहाँ से चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, और उसने जाकर आदमी को पूरा घटनाक्रम बता दिया। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, अब की बार एक ओक्स, ओक्स आप जानते हैं बैल होता है, तो एक बैल आता है, एक ओक्स आता है विद द योक ऑन हिज नेक, और उसके नेक, नेक यानी गर्दन के ऊपर क्या है, योक, वाई ओ के ई, योक। योक का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बैलों के द्वारा खेतों को जोतते हैं हल के द्वारा, तो उसकी गर्दन पे, दोनों बैलों की गर्दन पे एक लकड़ी का एक जुआ होता है, उसको जुआ बोलते हैं, तो उस जुआ जो होता है उसी को इंग्लिश में योक कहते हैं। तो उस बैल की नेक पर क्या है, गर्दन पर क्या है, योक है, यानी इससे साबित हो रहा है कि वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। एंड सैड बोला, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, वो आया और क्या बोला, अरे ओ कैमल,
आओ, एंड प्लो, PLOUGH, प्लो का मतलब होता है भूमि को जोतना, हल चलाना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, रेस्ट ऑफ अस का मतलब बाकी हम सब, यानी जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, वैसे तुम भी क्या करो, आओ और काम है करो। हम्प, सेड द कैमल, ऊँट ने फिर क्या कहा, हम्प कहा। एंड द ओक्स वेंट अवे, और जो ओक्स है वो भी चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने भी जाकर आदमी को पूरी बात बता दी। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे यानी कौन सा दिन चल रहा है, सोमवार, मंडे का दिन है, तो उस दिन की अंत में यानी कि इवनिंग के टाइम पे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। अब उस आदमी ने कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाया, किस किस को बुलाया, हॉर्स को, डॉग को और ओक्स को, तीनों को साथ में बुलाया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, थ्री, ओ थ्री, अरे ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। अब किस बात का दुख है, देखते हैं आगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आदमी बैठा हुआ है, तीनों जानवर उसके पास खड़े हैं। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैंट वर्क, क्या कहा, तुम्हारे लिए मुझे खेद है, लेकिन जो हम्प थिंग है, अभी हम्प थिंग शब्द किसके लिए काम में लिया गया है, कैमल के लिए, किसके लिए, कैमल के लिए, लेकिन जो हम्प थिंग है, जो कैमल है, जो डेजर्ट में है, कैंट वर्क, वो कोई काम नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, उसे यहाँ पे होना चाहिए था अब तक, यानी उसको भी यहाँ आ जाना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए आई एम गोइंग टू, गोइंग टू का मतलब मन का कोई इरादा प्रकट करने के लिए शब्द काम में लिया जाता है। आई एम गोइंग टू लीव हिम, लीव यानी छोड़ना, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, अलोन, अलोन मीन्स अकेला, अब मैं उसको अकेला छोड़ दूंगा यहाँ पे। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब तुम सब लोगों को मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जब कोई काम करना अति आवश्यक होता है तो हम मस्ट काम में लेते हैं। एंड यू मस्ट वर्क, और तुम्हें काम करना पड़ेगा डबल टाइम, दोगुना काम करना पड़ेगा, डबल टाइम करना पड़ेगा। टू मेकअप, मेकअप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को पूरा करना, तो तुम्हें उस कैमल की एवज में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम कैमल ने नहीं किया वो तुम तीनों को मिलकर आपस में बांट के करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से तीनों के तीनों जो एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, वेरी एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा होना, नाराज होना, तीनों बड़े गुस्से में भर गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, पंचायत का मतलब आप लोग जानते हैं, हम लोग गाँव में भी कहते हैं, अपने मम्मी पापा कहते हैं, या आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि क्या पंचायत चल रही है, यानी जब हम मीटिंग करते हैं, तो उन लोगों ने एक मीटिंग रखी, पंचायत रखी, एक सभा रखी, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज यानी किनारा, डेजर्ट आप लोग जानते हो रेगिस्तान अथवा मरुस्थल, उस रेगिस्तान के किनारे पे उन्होंने क्या रखी है कि पंचायत अथवा मीटिंग रखी। एंड द कैमल केम, और जो कैमल था वो भी वहाँ पे, केम मीन्स आया, च्यूइंग कर्ड, च्यू का मतलब होता है चबाना, और च्यूइंग कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना। अब जुगाली करना क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में कोई भी जो पालतू पशु होते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, ये जब चारा खाते हैं तो जल्दी 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 एक बार में खा लेते हैं, और उसके बाद आराम से खड़े खड़े बैठे बैठे उस चारे को वापस अपने मुंह में भरकर चबाते रहते हैं, अर्थात जुगाली करते रहते हैं, है ना, समझ गए होंगे। तो ऊँट वहाँ पर जुगाली करते हुए आया। एंड लाफ्ड एट देम, लाफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास करना, तो वो उनका मजाक उड़ाने लग गया। देन ही सेड, और उसने क्या कहा, हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, उसने हम्प कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब क्या होता है, जो जिन होता है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ओल्ड डेजर्ट, इन चार्ज का मतलब होता है मालिक होना, ओल्ड डेजर्ट पूरे रेगिस्तान का जो मालिक था वो जिन वहाँ पे आ गया। रोलिंग, रोलिंग यानी घूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए, इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड क्या होता है,
बादल, डस्ट यानी धूल, धूल का जो बादल होता है उसकी तरह वो गोल गोल घूमते हुए आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में कभी कभी तेज चक्रवात गोल गोल घूमते हुए मिट्टी को, साथ में मिट्टी का जो गुबार उसको उड़ाते हुए तेज हवाएं चलती है, जिनको मिस्थाने भाषा में बबूलिया भी कहते हैं। तो वो जो बबूलिया होता है उसी प्रकार से रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, उसी प्रकार गोल गोल घूमते हुए डस्ट के क्लाउड के रूप में जिन वहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट साइड द हॉर्स, हॉर्स बोला अरे ओ पूरे मरुस्थल के जिन, रेगिस्तान के जिन, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज इट राइट, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी होना, राइट यानी सही बात है। क्या किसी आदमी के लिए आलसी होना अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट साइड द जिन, जिन ने क्या कहा? सर्टेनली नॉट, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, नहीं बिल्कुल नहीं है। वेल साइड द हॉर्स, अब घोड़े ने क्या कहा? हॉर्स ने कहा अच्छा, देयर इज थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे इस डेजर्ट के मिडल यानी बीच में एक थिंग है, एक चीज है। अब आप समझ गए होंगे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे कैमल की बात हो रही है। विद लॉन्ग नेक, अब उसका हुलिया क्या बताया जा रहा है? विद लॉन्ग नेक, ऊँट की गर्दन कैसी है? लॉन्ग, लंबी नेक है उसकी। एंड लॉन्ग लेग्स, लंबी लंबी टांगे हैं। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने नाम मात्र का भी काम नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, कब से? मंडे की सुबह से। ही वॉन्ट ट्रोट, वह थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ता है, यानी कि हमारे साथ डुलकी मारते भी नहीं चलता, यानी कि धीरे धीरे हमारे साथ चहलकदमी भी नहीं करता है। व्यू सेड द जिन विसलिंग, विसल का मतलब होता है प्यारे बच्चों सीटी बजाना। व्यू अपने विचार की अभिव्यक्ति की उसने, अच्छा आज विस्मयादिबोधक शब्द है ये भी। सेड द जिन सीटी बजाते हुए जिन ने कहा, दैट इज़ माई कैमल, वो मेरा कैमल है, मेरा ऊँट है। वाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हम्प, वह केवल क्या कहता है? हम्प। एंड वोंट प्लो, और वो हल भी नहीं जोतता है। सेड द ओक्स, ओक्स ने कहा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसको एक हम्प दे दूंगा या मैं उसको एक हम्प बना दूंगा उसके, इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अगर आप कृपया एक मिनट की वेट यानी प्रतीक्षा अथवा इंतज़ार करें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की आप लोग जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसकी अपनी नोटबुक में नकल भी करेंगे, साथ ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी आप लिखेंगे और लर्न करेंगे। इसके अलावा वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में आई हैव वॉच्ड सर ज़रूर लिखेंगे, ताकि मुझे ये पता चल सके कि किस किस स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है और कौन कौन नहीं देख रहा है, यानी कौन कौन तो मेरे साथ साथ पढ़ रहा है और कौन कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत में ज़रूर आई हैव वॉच्ड सर डालें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी। बेल आइकन भी आप लोग प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।